अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, SS न्यूज़ के साथ मैं हूं आयशा सज्जाद। सबसे पहले आपको इलेक्शन कमीशन की खबर से आगाह करते चलें। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह की सरबराही में बलदियाती इंतखाबात से मुतलिक नून लीग और PTI की दरख्वास्तों पर समाअत हुई, जिस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन हकाम अदालत में पेश हुए। समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन ने क्या फ़ैसला किया है। उस पर इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने बताया कि वफाकी दारुल हुकूमत में बलदियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने अदालत को बताया कि पहले नई हल्का बंदियां करेंगे, फिर बलदियाती इंतखाबात का शेड्यूल देंगे। अदालत वफाकी हुकूमत को बलदियाती इंतखाबात के लिए तावन का हुक्म दे। बाद अज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 65 रोज़ में नई हल्का बंदियां करके इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी।